हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट द रीजनिंग। आपके साइकोलॉजी में जो कॉग्निटिव प्रोसेस की यूनिट चल रही है उसमें आपने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्लास में आपने एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था और एप्टीट्यूड के टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी थी। आज की क्लास अपन डिस्क्राइब करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे क्या मीन है। रीजनिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है टू थिंक अबाउट समथिंग विथ लॉजिक। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में लॉजिकल थिंकिंग आप निकालते हो तो उसे आप लोग क्या कहते हो, रीजनिंग। अगर अपन किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से एग्जांपल की बात करें, जैसे आपने किसी कॉलेज से चार टीचर्स लिए, ठीक है, और वो चारों टीचर्स के बारे में आपने कहा दे आर गुड लाइक एस फोर टीचर्स अबाउट द राधा, रामू, लक्ष्मण और कृष्णा, ठीक है। देन राधा इज़ गुड, रामू इज़ गुड, लक्ष्मण इज़ गुड और कृष्णा इज़ गुड। तो इस तरीके से अगर इसी चीज़ की अपन रीजनिंग निकालें तो अगर चारों टीचर्स जो आपने एक ही कॉलेज से लिए हैं वो क्या है, गुड हैं, तो आप क्या कहोगे, ऑल टीचर्स फ्रॉम दिस कॉलेज आर गुड। दैट मीन्स ये क्या हुआ, लॉजिक। लॉजिक के अकॉर्डिंग किसी डिसीजन पे पहुंचना, ये क्या हो जाएगा, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में आता है, इसलिए आपको इसको शॉर्ट नोट्स के तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है। आप बात करते हैं फर्स्ट वन अबाउट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। रीजनिंग इज सेड टू बी एन एडवांस्ड कॉग्निटिव प्रोसेस और फॉर्म ऑफ थिंकिंग दैट मेक ह्यूमन बीइंग इज सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल एनिमल्स। इंट्रोडक्शन में क्या है, रीजनिंग क्या है, एक एडवांस कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें क्या है, एक एडवांस साइकिल आपका चलता है। एडवांस कॉग्निटिव प्रोसेस और फॉर्म ऑफ थिंकिंग दैट मेक ह्यूमन बींग्स इज सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल एनिमल्स। मीन्स आप जब भी रीजनिंग स्टेप्स से कॉग्निटिव प्रोसेस में आप थिंकिंग प्रोसेस यूज में लेते हैं तो एज ए पर्सन आपको क्या माना जाता है, एज ए सुपीरियर पर्सन। और जो सुपीरियर पर्सन होते हैं वही क्या रखते हैं, रीजनिंग वाली कॉग्निटिव प्रोसेस थिंकिंग रखते हैं, ठीक है। इट इज़ मोर सिस्टमेटिक और लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ थिंकिंग। ये क्या है, मोर सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल। विदाउट लॉजिक और विदाउट सिस्टमेटिक व्यू के आप रीजनिंग की प्रोसेस की थिंकिंग नहीं कर सकते। जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट के बारे में, किसी के भी बारे में आप सोचते हैं तो आपका जो व्यू होता है वो क्या रहता है, सिस्टमेटिक रहता है और लॉजिकल व्यू में रहता है। एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ थिंकिंग, इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। आपको जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, जिस भी प्रॉब्लम के बारे में आपको सोचना है सॉल्यूशन के लिए, इसमें आप किस में यूज लेंगे, रीजनिंग वे में आप सोचेंगे। और रीजनिंग वे क्या है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सिस्टमेटिक और लॉजिकल तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना क्या है, रीजनिंग कहलाएगा, ठीक है। कंटिन्यूसी में देखिए, इट इज़ रेफर्ड टू एज ए हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग। ये क्या कहलाती है, लाइक एज ए हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग इन्वॉल्विंग सम वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक स्टेप्स फॉर द मेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। इट इज़ रेफर्ड टू एज हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग, क्या कहलाती है, हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग ये कहलाती है, क्योंकि ये क्या होती है, ये सिस्टमेटिक और लॉजिकल वे से आप सोचते हो, इसलिए इसको आप क्या कहते हो, हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग। सम वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक स्टेप्स फॉर द मेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लाइक एज ए, आपको अगर आप रिसर्च के वे से बात करें तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि किसी भी रीजनेबल कॉज के कारण आपको उसका क्या इफेक्ट दिखाई देता है, तो वो क्या है, मेंटल एक्सप्लोरेशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम।
जैसे कि अगर स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर होता है तो वो क्या कहलाता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। और इस रिलेशनशिप के लिए, सॉल्यूशन के लिए, जब आप लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे से सोचते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपकी रीजनिंग कहलाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अबाउट द डेफिनेशन। अबाउट द डेफिनेशन, इसको तीन तरीके से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन रीजनिंग में, रीजनिंग इज स्टेप वाइज थिंकिंग विथ ए पर्पस और गोल इन माइंड। अकॉर्डिंग टू गैरेट, गैरेट ने सबसे फर्स्ट वन में रीजनिंग को डिफाइन किया। और गैरेट ने क्या कहा, गैरेट ने कहा रीजनिंग जो है एक स्टेप वाइज थिंकिंग प्रोसेस है। मैंने आपको क्या कहा, सिस्टमेटिक और लॉजिकल वे से सोची जाने वाली थिंकिंग। तो रीजनिंग इज स्टेप वाइज थिंकिंग विथ ए पर्पस और गोल इन माइंड। स्टेप वाइज थिंकिंग तो है ही, साथ में क्या है, विद ए पर्पस, एक पर्पस के साथ, और गोल, आपके माइंड में आपका गोल सेट रहता है कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे किस तरीके से सिस्टमेटिक और लॉजिकल वे से थिंकिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, अकॉर्डिंग टू गैरेट। ठीक है, सेकेंड वन अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मन। मन ने भी डिफाइन किया है, रीजनिंग इज कंबाइनिंग पास्ट एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व बाय मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ अर्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा रीजनिंग इज कंबाइनिंग पास्ट एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मीन्स आपको अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका यूजफुल वे जो होगा वो साथ में क्या रहेगा, आपके लाइफ में लिए हुए आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे। विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ अर्लियर सॉल्यूशन, जो कि क्या है, अर्लियर सॉल्यूशन को गेन करेंगे। ठीक है, थर्ड वन अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर ने भी रीजनिंग को डिफाइन किया है, रीजनिंग इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेंटल रिकॉग्निशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है किसका, आपकी मेंटल रिकॉग्निशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब भी आप रीजनिंग वे में थिंकिंग करेंगे और जब आप सिस्टमेटिक और लॉजिकल थिंकिंग करेंगे तो आपको जिस चीज़ का सोल्यूशन मिला है उसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या है, रिकॉग्निशन कर सकते हैं। मीन्स आपकी मेंटल रिकॉग्निशन क्या होगी कि आपको किस चीज़ के कारण, यानी किस कॉज के कारण इसका क्या इफेक्ट आया है, इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकोगे, इसमें आपकी मेंटल रिकॉग्निशन होगी। और उसने, उन्होंने क्या कहा, इट मे बी द प्रिडिक्शन ऑफ एन इवेंट फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड कॉज और द फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड इवेंट। जो भी आप इवेंट है जो ऑब्जर्व करोगे, इनके कारण क्या इवेंट, इस जिस इवेंट के कारण, जो इवेंट क्या है उसके कारण आप प्रिडिक्ट कर सकोगे कि इसके कारण क्या इफेक्ट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू स्किनर। ठीक है, तो आपने तीन तरीके की डेफिनेशन पढ़ी, अकॉर्डिंग टू गैरेट, अकॉर्डिंग टू मन और अकॉर्डिंग टू स्किनर। जबकि गैरेट ने सबसे फर्स्ट वन क्या कहा, अगर आप रीजनिंग क्या है, रीजनिंग एक स्टेप वाइज थिंकिंग है जिसमें आप पर्पसफुली और माइंड में गोल ओरिएंटेड होकर आप क्या करते हो, रीजनिंग करते हो। ठीक है, सेकंड वन अकॉर्डिंग टू मन, रीजनिंग क्या है, एक कंबाइनिंग पास्ट एक्सपीरियंस है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, एक पास्ट एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहती है, और विच कैन नॉट बी सॉल्व बाय मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ अर्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड वन, जबकि स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा रीजनिंग एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है आपके मेंटल रिकॉग्निशन को, किसको, मेंटल रिकॉग्निशन को, ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किस कॉज के कारण क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये आपको रीजनिंग एक्सप्लेन करता है। इट मे बी द प्रेडिक्शन ऑफ एन इवेंट फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड कॉज और द फ्रॉम ऑब्जर्व्ड इवेंट। उसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग, सेकेंड वन आता है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। आप लोगों को बता दूं मैं, रीजनिंग को जो मेनली है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड किया है, कौन कौन से, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसमें आप देखेंगे टाइप्स ऑफ रीजनिंग में
तो अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग की। जनरली रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन टू इन्फॉर्म हाउ पीपल सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन। रीजनिंग की अगर अपन बात करें, रीजनिंग एक जनरली प्रोसेस है जिसमें लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कैसे अपना डिसीजन लेते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। इसके बारे में रीजनिंग एक जनरल प्रोसेस है जिसमें पर्सन कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और कैसे वो अपने डिसीजन लेगा, ये किस में आता है? रीजनिंग में। द टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग दैट आर यूज्ड टू कंक्लूजन टू एनी प्रॉब्लम आर, जैसे कि अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है तो दो टाइप्स की आप रीजनिंग यूज में लेते हो, वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वन इंडक्टिव रीजनिंग और सेकेंड वन डिडक्टिव रीजनिंग। कौन कौन सी? इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं किसके बारे में? इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रीजनिंग वी यूजुअली फॉलो द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मीन्स क्या होता है? आपको माइनर माइनर पॉइंट्स देखकर मेजर पॉइंट पर पहुंचना, क्या कहलाता है? इंडक्टिव रीजनिंग। इसको ध्यान से देखिए, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखो पहले इंडक्टिव रीजनिंग का, और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि माइनर पॉइंट से अगर मेजर पॉइंट पे आप पहुंचते हो तो उसे तो क्या कहेंगे? इंडक्टिव। और जबकि अगर मेजर पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ आप माइनर पॉइंट्स बनाते हो तो वो क्या कहलाएगा? डिडक्टिव। आपको इसमें मैं विद एग्जांपल समझाऊंगा। इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ रीजनिंग वी यूजुअली फॉलो द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, मींस आप इंडक्ट करते हो किसी जनरल के चीज़ के बारे में, आप माइनर पॉइंट्स को ध्यान रख के क्या करोगे? जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में इंडक्ट करोगे। इट इज़ ए वे ऑफ प्रोवाइडिंग ए स्टेटमेंट इट और जनरलाइजिंग ए रूल और प्रिंसिपल बाय प्रोवाइंग दैट इफ ए स्टेटमेंट और रूल इज ट्रू इन वन पर्टिकुलर केस इट विल बी ट्रू इन ऑल केसेस विथ लॉजिकल रीजनिंग। मीन्स आप जब माइनर पॉइंट्स के लॉजिकल रीजनिंग देते हो, मीन्स आप छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट करते हो, तो उन पॉइंट्स आउट करने के कारण क्या कहलाएंगे? उसके कारण अगर आप कोई जनरलाइजेशन करते हो, जनरल प्रिंसिपल देते हो, तो वो उसको क्या करता है? प्रूव करता है, एक स्टेटमेंट को बनाता है, तो वो क्या कहलाती है? इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें आप बात करिए विद एग्जाम्पल की, अगर मैं कहता हूँ कि रामू इज़ मॉर्टल, राधा इज मॉर्टल, लक्ष्मण इज मॉर्टल एंड कृष्णा इज मॉर्टल, देयरफॉर क्या हुआ? ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। मॉर्टल मीन्स दे हैव टू डाई एंड कैन नॉट लिव फॉर एवर। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसकी डेथ नहीं होगी या फिर वो हमेशा लाइफ टाइम अपना लाइफ स्पेंड करता रहेगा, ऐसा कोई पर्सन नहीं है। तो मैंने सबसे पहले माइनर पॉइंट्स बनाए, क्या बनाए? माइनर पॉइंट्स। और माइनर पॉइंट्स से आपने क्या किया? किसी मेजर पॉइंट का जनरलाइजेशन किया। तो वो माइनर पॉइंट्स क्या हैं? माइनर पॉइंट्स हैं रामू इज मॉर्टल, राधा इज मॉर्टल, कृष्णा इज मॉर्टल एंड लक्ष्मण इज मॉर्टल। 4 पर्सन्स हो गए। और ये सारे पर्सन्स क्या हैं? ह्यूमन बींग्स हैं। क्या हैं ये पर्सन्स? ह्यूमन बींग्स हैं। तो इससे मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा? ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, मीन्स सारे ही ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जिन जो क्या है, दे हैव टू डाई, मतलब उनको कभी ना कभी उनकी डेथ होनी है। तो दैट मीन्स क्या हुआ? आपने माइनर पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकाला? एक मेजर पॉइंट का कंक्लूजन निकाला। देयरफॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ? ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। ठीक है, दिस इंडक्टिव रीजनिंग मे बी कंसिडर्ड टू बी ए टाइप ऑफ स्पेशलाइज थिंकिंग एम टू जनरलाइज कंक्लूजन एंड कॉन्स्ट्रक्ट यूनिवर्सल लॉ और प्रिंसिपल। दैट मीन्स कि आप जब भी यूनिवर्सल रीजनिंग का यूज में लेते हैं तो ये क्या है? एक स्पेशलाइज्ड टाइप की रीजनिंग होती है। क्या होती है? स्पेशलाइज्ड टाइप की थिंकिंग और रीजनिंग होती है जिसमें क्या करना है? आपको जनरलाइज करना है एक कंक्लूजन और एक यूनिवर्सल लॉ और प्रिंसिपल। यूनिवर्सल लॉ और प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ? जब मैंने माइनस पॉइंट्स निकाले तो मैंने एक यूनिवर्सल लॉ निकाला, और वो यूनिवर्सल लॉ क्या था? ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल।
स्पेसिफिक चार ह्यूमन बींग्स के ऊपर मैंने माइनर पॉइंट्स निकाले और एक मेजर पॉइंट निकाल दिया और उसको मैंने क्या कहा, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। ठीक है, ये तो हुआ आपके इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात। आपको विद डायग्राम में बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ आपको शो किया हुआ है रामू इज मोर्टल, राधा इज मोर्टल, लक्ष्मण इज मोर्टल एंड कृष्णा इज मोर्टल। ठीक है, तो ये ह्यूमन बींग्स हैं, राधा, लक्ष्मण, रामू और कृष्णा, ये क्या हुए, ह्यूमन बींग्स हुए। तो अगर ये फोर ह्यूमन बींग्स अगर मोर्टल हैं तो मैंने जो इंडक्टिव रीजनिंग निकाली, तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या कह सकता हूँ, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रीजनिंग की, जिसे आपने क्या कहा है, डिडक्टिव रीजनिंग। उसको आपने क्या कहा है, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द इंडक्टिव रीजनिंग। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए माइंड में, डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग की जस्ट अपोजिट होती है। इट मे बी डिफाइंड अपोजिट मीन्स आप वहां माइनर पॉइंट से मेजर पॉइंट्स पर जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ आपको क्या करना है, आपको मेजर जनरलाइजेशन लेना है और मेजर जनरलाइजेशन से क्या पहुँचना है, एक माइनर पॉइंट पर पहुँचना है। ठीक है, देखिए इसमें, इट मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम नॉन स्टेटमेंट और एविडेंस। जो नॉन स्टेटमेंट और एविडेंस हैं लॉजिकली, उससे लेकर आपको एक ड्रॉ करना है लॉजिकल कंक्लूजन, आपको इसमें निकालना है। ठीक है, और याद रखिएगा कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है अपोजिट है किसकी, इंडक्टिव रीजनिंग की। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, आपने क्या निकाला था, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। रामू इज ए ह्यूमन बींग, रामू क्या है, इज ए ह्यूमन बींग। आपने सबसे पहले मेजर स्टेटमेंट आपने दिया है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, मीन्स जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको कभी न कभी उनकी डेथ होनी है। और यहाँ क्या है, रामू इज ह्यूमन बींग, इससे आपने क्या निकाला, आप मेजर से माइनर में जा रहे हैं, मेजर पॉइंट आपका क्या है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। ठीक है, उससे माइनर पॉइंट अगर आप लेंगे तो आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल कि रामू इज ह्यूमन बींग, रामू एक ह्यूमन बींग्स है। तो आपने इससे पहले कहा है कि ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, ठीक है, और रामू इज ह्यूमन बींग्स, तो देयर फॉर रामू इज मोर्टल। ठीक है, मतलब अगर इस पृथ्वी पर सभी लोगों को मरना है, यानी कि सभी की अगर डेथ होनी है, तो रामू भी क्या है, एक इंसान है, वो भी क्या है, एक ह्यूमन बींग है। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि रामू इज मोर्टल, कि रामू की भी डेथ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या निकाला, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, सभी ह्यूमन बींग्स को क्या है, डेथ होनी है, और अगर सभी की डेथ होनी है किसकी, ह्यूमन बींग्स की, तो रामू भी ह्यूमन बींग है, क्या है, रामू भी एक ह्यूमन बींग है। तो इसलिए आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि रामू इज मोर्टल, यानी कि रामू की भी क्या है, डेथ होनी है। ठीक है, दिस शो दैट द इन्फेरेंस ऑफ स्पेसिफिक कंक्लूजन, क्या शो करता है कि आपका जो स्पेसिफिक कंक्लूजन जो आपको शो करना है बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ और प्रिंसिपल्स। मतलब इंडक्टिव रीजनिंग में तो आप यूनिवर्सल लॉ और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दे रहे थे, लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग आपकी यूनिवर्सल लॉ और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड रहती है। प्रिंसिपल्स इज एक्सेप्टेड बाई ऑल और प्रूव्ड ऑलरेडी, जो कि आपने ऑलरेडी जो प्रिंसिपल्स प्रूव कर दिए उन्हीं प्रूव्ड प्रिंसिपल के बेस पर आप क्या करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं। आपको विद एग्जांपल इसको समझाना है, तो डायग्राम देखिए आप इसका, डिडक्टिव रीजनिंग का। आपको फर्स्ट वन जो राउंड दिख रहा है उसमें आपने शो किया है ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, ठीक है, तो ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल ये तो क्या हुआ, आपका स्टेटमेंट यानी कि जनरल प्रिंसिपल हुआ, जो कि ऑलरेडी आपने प्रूव कर दिया है। अब उस प्रूव किए हुए प्रिंसिपल के बेस पे अगर आप डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं तो आप क्या कहेंगे, रामू इज ह्यूमन बींग, क्या कहेंगे, रामू इज ह्यूमन बींग। ठीक है, इसलिए देयरफॉर
आपको जो डिडक्टिव रीजनिंग आपने निकाली वो क्या निकाली, रामू इज मॉर्टल, ठीक है। तो इस तरीके से आप में डिफरेंस देख लीजिए इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस होता है, वे डायग्राम आपको ये एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है रीजनिंग। इसमें रीजनिंग में आपने इंट्रोडक्शन, थ्री टाइप्स की जो डेफिनेशन है वो, और उसके दोनों टाइप्स इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज का टॉपिक यही फिनिश होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।